ये सिंबल और बीच है पेटोंग बीच। सामने देख लो अपनी इंडियन है भाई। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। और भाई हम इस कैंपिंग साइट पे अकेले हैं भाई, कोई नहीं था पूरी रात। और भाई अजीब अजीब आवाज आ रही, बस ही अच्छा है, एडवेंचर है, कुछ तो करेंगे ही। और भाई कैंप मैंने यहाँ लगा लिया था, स्वीटों को यहाँ कर दिया था पैक, है ना। और अभी बना रहा हूँ भाई खाना, बताओ क्या बना रहा हूँगा, पॉज करके बताना आपने क्या बन रहा होगा इसमें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने बनाया क्या है, ठीक है ना। और भाई कैंप का ये हाल है, देखियो अंदर है कुछ अच्छा हाल है ना। मेरी केटल ख़राब हो गई थी यार, केटल को लेकिन मैंने ठीक कर लिया ना, तो यार खाम खा 2-3 हज़ार का खर्चा आ गया था। ले भाई हमने बनाए हैं राइस, इसमें डाल के चीनी खा जाएंगे। आप क्या सोच रहे थे, नूडल्स बनाएगा? अबे अबे क्या यार, नूडल्स ही खाऊंगा क्या, कभी और भी कुछ खाने दिया करो। तो आज भाई राइस बनाए हैं, चीनी डाल के खाऊंगा। आसपास मार्केट नहीं है, नहीं तो दूध लेके आता 7-Eleven से, खीर बना के खाता। दोस्तों ब्रेकफास्ट हो गया था सुबह सुबह, और लंच कर रहे हैं। लंच में फिर से चावल है भाई, है ना। और ऐसी लोकेशन है, रूफ साइड की दिखाऊंगा तो भाई अल्टीमेट है। हमारा कोई आया ही नहीं आज यार, क्या बताएं अब, मतलब कोई भी कैंपिंग वाला नहीं आया, और ओनर भी नहीं आई आज। तो लेडीज थी वो कल मिली थी, वो भी नहीं आई। मैं भी नहा धो के अपना दोबारा से राइस बना के थोड़ी एडिटिंग करूँगा, चलता ही है ऐसा ही, अब खाते हैं। लो भाई थोड़ा घूमने के लिए चलेंगे, हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है, ज़बरदस्त तेज चल रही है भाई हवा। और पता नहीं आपको कितनी क्लियर आ रहा है, आवाज़ आ रही होगी। गुड मॉर्निंग नहीं है आज भाई, गुड आफ्टरनून है दोस्तों, गुड आफ्टरनून हो चुकी है अपनी। अभी चलेंगे थोड़ा सिटी की तरफ, चलेंगे सिटी की तरफ घूम के आएंगे। और हम रुके हुए यहाँ पे, ये कैंपिंग एरिया आपको दिखाया ही था। और भाई लोकेशन अल्टीमेट है, एक या दो दिन रुकने का मन था, लेकिन अब जी कर रहा है एक दिन और रुकेंगे यहीं पे, देखो है ना, यहाँ पे रुक सकते हैं आराम से। बैठ के एडिटिंग कर रहा था, लेकिन अभी सोचा चलो यार आपको सिटी दिखा के लाते हैं, थोड़ा शॉपिंग करके ले आएंगे, थोड़ी ही घूम कर आएंगे, है ना। तो बेस्ट है ना, घूम के आते हैं फिर देखते हैं क्या रहता है। देखो दोस्तों बैठने की भी जगह ज़बरदस्त बना रखी है भाई बंदों ने, है ना। और ऐसा भी है कुछ, यहाँ भी बैठ सकते हो आराम से, और यहाँ भी बैठ सकते हो, देख रहे हो ना। अच्छा यार, मतलब ये चीज़ देख के ना रुकने का मन कर गया, नहीं तो पता ही आपको भाग जाते हैं, है ना। अच्छा यार ज़बरदस्त बना रखा भाई बंदों ने, नीचे छोटी छोटी किश्ती भी है भाई इनकी, हैं। डेकोरेट तो ज़बरदस्त कर रखा, लेकिन इस साइड कोई ज़्यादा आते नहीं, लोग ज़्यादा नहीं आते, बस समझते हो ना, क्योंकि ये थोड़ा सिटी से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ऊपर पहाड़ों की तरफ आके है, यहाँ तक कोई आ ही नहीं पाता भाई, जो रह जाते हैं इसी के पास रह जाते हैं, समुद्र के पास ही। भाई हम चल पड़े हैं, कुछ देख के आते हैं यार, क्या देख के आते हैं मुझे भी नहीं पता, रोड पे निकल लिए हैं, जो दिखेगा वही देखेंगे, कोई प्लान नहीं है। प्लान तो क्या यार, सब कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। रोड जाम, मतलब रोड जाम देखने के लिए निकले हैं क्या, लग तो कुछ ऐसा नहीं रहा था हमें। जो सामने जा रही है भाई बसें, ऐसी ऐसी बस भी चलती हैं यहाँ पे। हम जा रहे हैं भाई कमला बीच की साइड, कमला ये तो अपना इंडियन नेम है भाई। इस साइड फुल हिल है, फुल ट्रैफिक है, और सही
मतलब टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है भाई। अच्छा सब वहाँ जाके खड़े हो गए, हम भी चले जाओ। देख लो भाई ये टैक्सी है, साइलेंसर देखो रे क्या बैटरी लगा रखी है। हम आ गए बीच की साइड, ये बीच सिंबल और बीच है पेटोंग बीच। काफ़ी लोग भाई बैठे हुए हैं नहाने के लिए, नहा रहे हैं, सनपाथ ले रहे हैं, अपना कोई काम है नहीं। यहाँ लोग करके भाई अपनी साइडों को चल रहे हैं, थोड़ा बीच की साइड कहेंगे बीच पे। काट रहे हैं वही वही फोर्स में पकड़ पकड़ गए। तो कलिया डर रहा था, काला था। देख लो अपनी इंडियन है भाई, लेडी चूड़ा पहन रही है, है जबरदस्त इंडियन ना। मेरे राइट में है ना भाई लोटरी आई, लोटरी आई जो है बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कम से कम 20-25 कंटिन्यू भाई। रोड जाम तो भाई पॉकेट में ठोक के भामे है, कहीं भी जाओ आप पे आपको रोड जाम ही मिलेगा और अच्छे वाला मिलेगा। हर बीच में चल रहे हैं हम भी देखो, लो दोस्तों राइस बनाए हैं भाई, अभी शुगर डालेंगे, ये शुगर अपनी। और भाई फुकेट में है ना एलिवेशन, ओ बाबे ओ बेबी, पटोंग लेक है ना जो भाई, जाने में तो सिर्फ एक हील पड़ी थी, मैंने सोचा दूसरा रास्ता लूँ और दूसरा रास्ता बाई चांस कम हो, लेकिन दिखा रहा था कम ही भाई, बुरे हालात करती है। उसके बाद फिर मैं गया था मार्केट और आज मार्केट ही नहीं लग रही थी यार। चल ठीक है जो भी है, फिर भाई कल हम यहाँ से निकल रहे हैं, 200 किलोमीटर के आसपास है क्राबी, कोशिश करेंगे 2 दिन में पहुँच जाएँ क्योंकि एलिवेशन अच्छे वाला है भाई, और सच बताऊँ मन नहीं कर रहा एलिवेशन पे चलाने का। चलो ठीक है दोस्तों, जैसा भी है अभी खाते हैं राइस, उसके बाद फिर सोचता हूँ भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।